प्रशासन वही तो मैं आधा साल आपकी जिम्मेदारी सारी लेके आई, कोई वो चीज नहीं है। देखिए किसी की कहना नहीं चाहिए लेकिन एक अलग ही संवेदना यार, उसमें क्या कह सकते हैं। जी जी सर जी, आप लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा ये सब चीजें कर को बेनिफिट है, नहीं मेरी तरफ से जितना मैक्सिमम मैंने कर दिया, लेकिन आप जान लीजिए कि जो चीजें किसी परिवार साथ होती है ना, समझ नहीं पाएगा यार, कोई नहीं समझ भाई। देख हमें जो था हमने कह दिया, ठीक है। आप लोग को लगता है कि किसी के आने से बहुत बड़ी घोषणा हो जाएगी, अलग बात है, लेकिन मेरा मैक्सिमम जितना था कहीं से घोषणा होगा तो हमारे कलम के आगे जाना है, मैं उसको समझ रहा हूँ। लेकिन ऑडियंस आप सीधे कह रहे हैं कि हम देखेंगे, लेकिन किसी चीज को जो रखा है वहाँ पे, यही है कि अंत समय में यार उसका जितना सम्मान हो सके मैक्सिमम कर दो सर, वो स्वर्ग में कहीं चीज रहेगा। को सरकार के तरफ से क्या जितनी मैक्सिमम होंगी पीड़ित परिवार को, जितना भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम एक योजना जो भी इनके नियमानुसार होगी कोई नहीं छूटेगी, और जितना मैक्सिमम होगा हम आपके लिए करेंगे। आपका दर्द हम जितना समझ सकते हैं, हालांकि उस दर्द को कोई समझ नहीं सकता है जो आपके परिवार साथ हुआ है, लेकिन ये जान लीजिए कि बस अंत समय है, अच्छे सम्मान से उनको विदा करिए। और मैक्सिमम नंबर मैंने आपको दोनों दिया है, किसी वक्त रात में भी कॉल करेंगे, हम उठाएंगे दोनों कॉल, और ये जान लीजिए कि हम ही खड़े होंगे हर टाइम पे, जो भी प्रशासन होगा तो साथ खड़े होंगे। सरकार के पास इतनी योजनाएं हैं कि आज करेंगे तो ये डेट में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भूखा मर सकता है यदि चीजें हो तो, इतनी ये चीजें हैं सर। यहाँ जनता का कहना है कि हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, इस पे आपका क्या कहना है? आप ये बताइए कि फिलहाल तो जिनके मिलना चाहिए सबसे पहले तो हम उस पर प्रयास कर लेंगे, क्योंकि जिसके साथ हुआ है, आपको लगता है कि जिसके साथ हुआ है उसका दर्द बड़ा है, इस समय जो लोग खड़े उनका दर्द बड़ा है, जिस परिवार के साथ हुआ उसका दर्द सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले हमें उसके साथ संवेदना करना चाहिए, क्या है उसको, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। जनता की समस्याएं बैठने के लिए हम हमेशा सांसद रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस परिवार के साथ हमें बैठना है। सर घटना कैसे हुई है? घटना में यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इसमें जो मृतक है उनको जो है गोली से गोली मारी गई है। सर आज स्थल है जहाँ पे इनको गोली लगी थी, और जो भी क्रिमिनल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और इनकी तरफ से तहरीर हमें जैसी मिलेगी, हालांकि मिलने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः संज्ञान में कार्रवाई तो करेंगे तत्काल, लेकिन जैसे इनकी तरफ से तहरीर मिलेगी वो एक पक्के तौर पे, और उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके। सर ऐसी घटना है कसमाबाद क्षेत्र में, हम सर आपसे एक मांग हम करेंगे प्रशासन के ऊपर, अगर यहाँ प्रशासन समय से अगर आ गई होती तो मुजरिम ऑटोमेटिक पकड़ा गया होता। जब से फोन लगाया गया है 1.5 घंटे बाद नंबर पे हजार, 1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन आई है, 2 घंटे के बाद आई है 100 नंबर। बताइए सर ये कहाँ का नंबर, यहाँ पर खड़ी रहती है 100 नंबर, आज कहाँ थी? जो भी है हो सकता है किसी वजह से व्यस्त हो, लेकिन ये जान लीजिए कि उसको अभी भी जो भी है लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप निश्चिंत, आज मेरे साथ हुआ है और किसी और के साथ ये मौके पर था, आप नहीं मौके पर हो ना, तो आपके पास जो भी है जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी उसमें सहभागिता करना पूरा, क्योंकि तुमको इसका साथ देना है, पूरी सहभागिता करना है। लास्ट में तुम लोग आओ और उसको किसी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। सर ये सवाल हो रहा है, इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले यहाँ पे घटना ऐसी हुई थी, 19 मार्च को हुई थी, उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ विशेष इस रूप में नहीं किया है अभी तक? नहीं, हम इसको अभी अभी जो है, हालांकि घटना के बारे में संज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी मैं अभी तत्काल में ही जो है मेरी नियुक्ति, लेकिन जो भी है अब जान लीजिए कि इस यहाँ पे तत्काल जो है इस क्षेत्र को जो है पुलिस लगातार जो है वाच करेगी और बुरा तरह की घटना नहीं होने देंगे। अभी 1 महीना पहले यही माता में नहीं नहीं इसलिए मैं कहता हूँ ये संवेदना है, और इन आप लोग की जिम्मेदारी की इनके डॉक्यूमेंट और सारी चीजें लेकर यहाँ सारे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन ये जो संवेदना चल रही है जो दुखी है उसको नहीं पता है कि उसकी चीजें कहाँ है, 10 मिनट बाद सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन आपका जिम्मेदारी है कि आप चीजें लेके आए और सारी चीजें करें और आप FIR तत्काल कराइए, सारी चीजें कहने से कुछ नहीं होगा, बस तो सीज हो रही है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। हमारी गाड़ी
जो आप पहले कर सकते हैं कर चल रही है सर, बात चल रही है। लड़के में क्या नाम है आपका? कैसे चौहान। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे मेरे मामा यहाँ पे खड़े थे और मैं उतर तो गए समोसा लिया, तो बोले दो लोग आए गाड़ी से और एक उतर कर गाड़ी दिया कालर पकड़ कर और एक मार दिया। क्या क्या कर रहे हैं? गाड़ी छोड़ कर अपन गाड़ी छोड़ कर इनका छीन कर इनको गोली मार कर भाग गए। किस गाड़ी से थे? वो आप पार्टी से थे? वो गाड़ी यहीं पर पड़ी है, यहीं पर है गाड़ी, यहीं पर मौका पर है। आपकी गाड़ी लेकर भाग गए सर? हाँ जी। आपकी कौन सी गाड़ी थी? सुपर स्पीड सुपर स्पीड की घटना है। टाइम नहीं थे, 4 बजे करा है, 4 बजे कर रहे हैं। कहीं से आ रहे थे सबके? क्या सामान के मेरी मम्मी को छोड़ने आए थे, फिर वहाँ से मेरे घर से आए और यहाँ पर खड़े थे, पीछे से आए उतर कर गोली मार कर चले गए। आपके मामा जी के साथ कभी ऐसी घटना हुई थी? हाँ, जैसे किसी से गाली गलौज या फिर किसी से मतलब किस तरह की घटना हुई थी? किसी से नहीं। आप लोग इस तरह रोड क्यों जाम किए हुए हैं? अब इसलिए जाम किए कि एक बार और घटना हुआ था, उस बार कुछ नहीं सुनवाई हुआ, इस बार इसलिए जाम किए कि कम से कम सुनवाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हरदम दुर्घटना होता ही जाता है। क्या दुर्घटना हुई है? कोई भी आता है गाड़ी से आता है सीधा खड़ा करके गाड़ी मार के चला जाता है, दो आदमी आए और सीधा आए सीधा कलर पकड़े गोली से मार के सीधा गाड़ी लेके भाग गए। जिस शख्स को गोली मारा गया उनका नाम क्या है बताएंगे? सूर्य भांग। किस गांव के रहने वाले हैं? सपनगर का। और यह घटना कब हुई है? ये 4 बजे करीब हुई है। आप बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी घटना हुई थी? करीब पहले चैत में, है? चैत में 5 महीने पहले हुई थी। और क्या हुई थी 5 महीने पहले? पैसा के छीनती वो पैसा छीन छान के लेके भाग गए थे उस समय भी। इस बार भी पैसा वैसे छीने? इस समय भी आगे से वो पैसा छीन के 3 लाख रुपया वहाँ से भागे थे, फिर यहाँ पर आके वो गाड़ी चेंज किए और इनको मार के लेके भाग गए। यहाँ पे किस तरह की वारदात की गई है? यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि गाड़ी कोई यहाँ पे उन लोगों ने छोड़ भी दिया है। हाँ, वो सीधे आए और वो सामने एक उनका बहने थे, वो गए थे समोसा लाने के लिए, वो गाड़ी साइड में खड़ी थी, वो सीधा आए गाली गुरुज दिए और कालर पकड़ के सीधा पीछे से गोली मारे है। बताइए। यहाँ लगभग 4 बजे घटना है, यहाँ हम लोग जब आए तो यहाँ के लोग यही बता रहे थे कि 100 नंबर को मैं 10 काल, अरे 112 नंबर को 10 काल किए हैं लोग। यहाँ कम से कम हमको अभी तक यहाँ आए, अरे हमारे आने की बात 3 घंटा की बात एक पुलिस मौके पर आई, उसकी बात 2 घंटे की बात और प्रशासन आया तो प्रशासन यही कह रहा है कि लाश को जाने दीजिए, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, लाश को जाने दीजिए पूरी कार्रवाई करेंगे। और हमने लिखित बोला कि कुछ भी दे दीजिए, जिम्मेवारी ले लीजिए, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं।
बस कह रहे हैं कि हमको इतनी मट्टी सौंप दीजिए, बस मट्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जल्दी मट्टी छोड़ो हाँ रोड जाम हटाइए। आप उनके कुछ लगते हैं जिनको गोली मार गया? उनका चचेरा भाई है। अच्छा, अभियान है आपका, नाम क्या है आपका? शेषनाथ। अभी तक आप लोगों को कुछ लिखित प्रमाण पत्र मिला? अभी तक कुछ नहीं दिया, प्रमाण नहीं मिला, बस यही कहा जा रहा है कि हमको मार दीजिए। एक भाई है, एक भाई है, और छोटा भाई है, माझी भाई पूरी नहीं हो रही है। हम लोग मांग रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी नंगे नंगे पाँच वर्ष के दस वर्ष के बच्चे हैं, उसका कुछ सहायता सरकार करे। पहले तो पकड़ा जाए, पहले उसको गिरफ्तारी चाहिए। लिखा पड़ी मट्टी ने, अभी मौके पे मौजूद अपाची गाड़ी पाई गई है। हाँ, मौके पे। तो क्या उससे लगता है आपको? मौके पर वो गाड़ी जो है वो पाई गई है, उस गाड़ी को मैं नहीं पहचाना हूँ। ये गाड़ी जिसकी गाड़ी जो मरा हुआ है उसकी गाड़ी का नंबर है, और गाड़ी लेकर भागे हैं, जो गाड़ी लेकर के भागे हैं। अच्छा, आप लोगों की गाड़ी को? हाँ, हम लोग गाड़ी लेकर उसको वो अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दिए हैं लोग, और जो मरा हुआ है उसका गाड़ी लेकर के वो लोग भागे हैं गोली मार कर। और इस बात को पुलिस वाले से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी एडिशनल एसपी भी आ चुके हैं, उनसे आप लोगों की बात हुई है? उन लोग से भी बात किए हैं, उन लोग के लिखवाए भी हैं, लेकिन बस यही कह रहे हैं कि लाश छोड़ दो, सब कुछ होगा, लाश छोड़ दो, सब कुछ होगा, यही तरह बस कर रहे हैं। लिखित मांग रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं लोग, कह रहे जाने तो थाने पर कागज लेकर के आना, ये आना, वो आना, यही कह रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं प्रमाण दे रहे हैं। यदि आप लोगों को लिखित नहीं मिलता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग की लिखित नहीं मिल जाए तो हम लोग की लाश नहीं जाना चाहिए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग की कोई यहाँ लिखित मिले, कोई बच्चों को कोई सहयोग मिले। अगर नहीं मिल जाए तो बच्चों को गोली मारिए और हम लोग को मारिए और लेकर के जाइए। परिजनों द्वारा जो मांग रखी गई मुख्य है, तत्काल हत्यारों की गिरफ्तारी हो। पहला दूसरा है जिलाधिकारी राहत कोष द्वारा तत्काल जो लाभ मिलेगा वो लाभ प्राप्त हो, फिर उसके बाद पारिवारिक लाभ, उसके बाद अंत में जो समस्त लाभ होगा नियमानुसार मृतक के परिवार को दिया जाएगा एसडीएम साहब के द्वारा। पत्रक ये भाई हम तो हैं कि आप नहीं देखे हैं, आप समाज हम ही जमा देख रहे हैं। अरे वह मिली जो कह रहे हैं वही मिलेगा। पाँच लाख लिख के देले है और वे तत्काल कर लिया जाए, जो पाँच लाख कह रहे हैं उसके ऊपर है, सब बारीक से जान लीजिए। सब सब लेकर शादी तक सब होगी है ना, वही बोले पहले तो वही सर ही बोले हैं कि उसकी व्यवस्था सारी सरकार कर देगी। आयोग करेंगे तो एकदम तीन तरह पागल हो जा।
प्रकाश भैया प्रकाश मेहरू जरूर आप लोग के डीएम साहब की मांग एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था तो सरकार के द्वारा रहती है उसको चेक करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको जरा संभालिए आप लोग। बिल्कुल सर, सही हो गया सर, उसमें प्रशासन आपके साथ है। बस हम लोग का निवेदन है सर, इन लोग के साथ न्याय हो जाए। बिल्कुल न्याय होगा, हम लोग का सम्मान जिन्होंने लगाया, हम लोग के कहने से जिन्होंने जिन्होंने ये कुकृत किया है उन्हें सजा भी मिले। बिल्कुल सर, एकदम दो दो बार यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है और वो रिपीट हुआ है, वही सेम जगह है, सेम प्लेस के जगह वहीं पे हुआ, घटना हुई है सर। फिर पैसा छीना गया और फिर से ये गोली चली वहाँ पे, दो बार वही घटना हुई है सर। और इस लड़के की बाइक भी लेकर गए हैं, स्प्लेंडर बाइक है, उस बाइक को अपराधी लेकर चले गए, अपनी अपाचे गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी। और गले में शायद कुछ पहना था, वो भी नहीं, अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। भाग के जाएंगे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग अगर चाहे जाएंगे तो बहुत, इनको संभालिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी हम लोग जो बन पड़ेगा सब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। हम लोग यही हम लोग उम्मीद है की सर न्याय हो जाए। धन्यवाद सर, चला जाए। नहीं हो रहा था बोला।